भीड़ से अलग संवाद टीवी, बेहतर आज और बेहतर कल के लिए संवाद, आपके आसपास का संवाद, विमर्श, पड़ताल और अन्वेषण, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य, साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान, विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर आप और हम करेंगे संवाद। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का होगा हर रोज अनोखा संगम। पल पल की घटनाओं से रखेंगे आपको बाखबर। संवाद टीवी, आपके आसपास, हमेशा आपके साथ, आपकी दुनिया, आपका संवाद। संवाद टीवी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि लगातार हम कुछ ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज और देश के लिए लगा रखा है। आज इसी क्रम में हमारे बीच हमारे साथ हैं निर्मला देशपांडे जी। हम आपका स्वागत करते हैं गोरखपुर की इस धरती पर और खासतौर से संवाद टीवी के कार्यक्रम मुलाकात में। मैडम, एक चीज़ हम ये सीधे दर्शकों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपकी जो इतनी लंबी यात्रा है जिसमें आप लगातार संघर्ष ही कर रही हैं समाज और देश को एक अच्छी दिशा पर ले जाने के लिए, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि देश और समाज है कहाँ पर? नहीं, काफ़ी अच्छे काम भी हो रहे हैं जी। हम देख रहे हैं कि जैसे वो अलग अलग धाराएं चलती है, एक वो धारा है जिसमें बुरी बातें दिखाई देती, लेकिन दूसरी अच्छाई की धारा भी चल रही है। निर्मला देश पांडे एक ऐसा नाम है जो अभी कुछ दिनों पहले इतने वर्षों बाद एक बैग फिर राजनीतिक पटल पे आ गया और चर्चाएं होने लगी, आपका भी नाम शुमार किया गया राष्ट्रपति की दौड़ में। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नाम शामिल हुआ होगा तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि शायद ये जगह है जहाँ आप बेहतर काम कर सकती हैं पूरे विश्व के लिए, और एक मुहिम है आपका जिस पर अभी हम बात करेंगे, तो अब कैसा लगता है जब आप? आपकी राय को नहीं मानती जी। मैं जानती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ यही मुझे करना है, और सियासत के दायरे में मैं कभी रही नहीं और वो मेरा काम नहीं जी, जी। एक जिसे कह सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट, पीस एक्टिविस्ट, एक अदना सा कारकुन महात्मा गांधी विनोबा भावे जी। उस हैसियत से मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ जो मुझे काम करना है, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं किसी भी ऐसे काम की तरफ मुझे जाना नहीं पड़ा और मैं अपने काम में आज भी लगी हुई हूँ। क्योंकि बात यह है कि हमारा नारा जय हिंद नहीं है, जय जगत है। क्या बात है, आपका नारा जय जगत है, कुल दुनिया की जय हो, पूरे संसार की जय, पूरे संसार के। हम लोग गांधी के चेले किसी एक मुल्क से के क्या कहेंगे उसकी हद में हम अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते, सीमित नहीं रखना चाहते। ये हमारे लिए कुल दुनिया, यानी आपकी चिंतन का जो फलक है वो काफी विस्तृत है, समग्र विश्व की परिकल्पना है उसमें। दुनिया के लिए काम करना है जी। तो जो आज मैं कर रही हूँ वही मेरा रास्ता है। हम अब थोड़ा पीछे लौटते हैं, गांधी जी के दर्शन से प्रभाव और उससे प्रभावित होकर के विनोबा भावे जी के भूदान यज्ञ भूदान आंदोलन से जुड़ना। अब ये जो गांधी और विनोबा भावे जी के जो दो बड़े ख़ास अहम पहलू थे इस देश को, इस समाज को आगे ले जाने के लिए, इसमें क्या आपको लगता है कि इसकी सार्थकता अभी भी वैसी ही की वैसी है, या इसमें कुछ कहीं ना कहीं से इस पूरे चिंतन में कोई बदलाव की आवश्यकता है? देखिए,
उनकी सार्थकता बढ़ी गांधी विनोबा के विचार की, और आज सारी दुनिया गांधी जी के विचार की तरफ, उनके फलसफे की तरफ आ रही है। बात यह है, यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी का जन्मदिन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। ये इतनी बड़ी चीज़ है, इसकी तरफ मैं सबका ध्यान खींचना चाहती हूँ। और इसके मानी ये है कि कुल संसार मान रहा है कि आज ज़रूरत है गांधी की, आज ज़रूरत है अहिंसा की, अदम तशद्दुद की, नॉन वायलेंस की, कुल दुनिया के लिए। और ये हमारी, हम तो कहेंगे, बहुत बड़ी फतेह है, और इससे हमें और आगे बढ़ना है। इस फतेह के लिए आपके चेहरे पे खुशी है, और विश्वास भी है कि ये फतेह पूरे विश्व को एक बड़ी फतेह के रूप में विकसित करेगा। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आज लोग सवाल खड़े करते हैं कि युवा पीढ़ी देश की काफ़ी ज़्यादा इन दोनों चिंतनों से हट रही है। अगर देखा जाए, बड़ी संख्या है उनकी, शायद अब हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के दर्शन को उन्हें फिर से पढ़ाए जाने की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। विनोबा जी के विषय में लगता है कि अब मेरी ऐसी समझ है, गलत भी हो सकती है, कि शायद लोगों की जानकारी का दायरा कम है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जानकारी हासिल होती है बच्चों को किताबों से जी, खासकर स्कूल की, कॉलेज की जी। अब वहाँ शायद गांधी जी और विनोबा जी के विचार नहीं है जी। लेकिन मेरा अपना ये अनुभव है कि गांधी जी और विनोबा जी की तरफ नई पीढ़ी आ रही है। मेरे साथ हजारों नौजवान काम कर रहे हैं इस मुल्क में। अभी मैं एक दिन पहले मद्रास और मदुरई में थी, 4 दिन पहले हिमाचल में थी, आज यहाँ आई हूँ। हर जगह हमारे साथ काम करने वाले ऐसे हजारों नौजवान हैं जो गांधी विनोबा का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नई पीढ़ी को इन ये जानकारी देने की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, हर तरह से देनी चाहिए। एक सवाल हम और अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि आप जो ये मैत्री यात्रा लेके चलती हैं, जगह जगह पे आप जा रही हैं, लोगों के बीच जन जागरण का एक अभियान है, उसकी एक एक स्टेप आगे बढ़ाती जा रही हैं, कैसा महसूस होता है आपको जब आप इन लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, कैसा महसूस? मुझे मंजूर है, हमको पहले बताना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। आपने क्यों नहीं किताबें पढ़ी? किताबें तो सारी मौजूद है। तो बात ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नौजवानों से मिलती हूँ और उनकी तरफ से इस काम के लिए पूरा सहयोग मिलता है। एक सवाल जानना चाहेंगे आपसे, खैर ये सवाल करना उचित भी नहीं होगा, ये अकेली किसी महिला की बात करें, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात इधर लगातार बड़े ज़ोरों से चल रही है, और आपका जो संघर्ष है वो तो प्रतिरोध से ही शुरू हुआ था। खैर, मैं कहूँ हमारे विचार में ये संघर्ष शब्द है नहीं, हम जो कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं समाज को बदलने का, और वो अहिंसा से, अदम तशद्दुद से। तो उसका रास्ता सहयोग का है, संघर्ष का नहीं। सबको साथ लेते हैं हम, जो भले ही हमारे खिलाफ खड़े हो उनमें भी तब्दीली लाते हैं, और उनको भी कहते हैं चलो साथ। तो हमारा तरीका अहिंसा का है, सहयोग का है, सबको साथ लेने का है। आपका तरीका बिल्कुल एकला चलो का नहीं है, सबको साथ लेके चलने का है, क्योंकि आपने तो समग्र चिंतन रखा हुआ है, पूरे विश्व को आप विकसित करने की एक बात बता रही हैं, और गांधी चिंतन को लेके आप ज़्यादा कह सकते हैं कि शिद्दत के साथ अपने, आप कह सकते हैं सहयोग को, संघर्ष को नहीं, सहयोग की यात्रा को एक एक दिन, एक एक पल आगे बढ़ा रही हैं। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को ये ऐसा लग रहा है कि इस धरती पर, इस शहर में आप आई हैं, तो कुछ आपके संस्मरण भी हम जान लें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा उद्दीलित करती हो, जो आज भी आप भूल नहीं पाती हैं, वो हमारे दर्शकों से ज़रा शेयर कर लें आप।
खैर अब संस्मरणों का तो मेरे पास खजाना है जी। अब क्या कहूँ और क्या न कहूँ। एक बात याद आ रही है कि इस देश के लोग भले ही गरीब हो, भूखे हो, लेकिन उनमें उनका दिल बहुत बड़ा है जी। बिहार के एक ऐसे गरीब इलाके में हम यात्रा कर रहे थे जी। और ज़मीन मांग रहे थे, ज़मीन तकसीम कर रहे थे, तो कुछ दो चार गांव के बड़े लोगों ने कहा इन लोगों को खाना मत खिलाओ तो भाग जाएंगे। तो दो रोज हमको खाना नहीं मिला, हम बढ़ते गए। एक हमारे दलित भाई बहनों की बस्ती थी, हमने काफ़ी पानी पिलाई है, तो हम बैठे बैठे बड़े प्यार से बताए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 45 मिनट पानी पिलाई नहीं रहे। कहा क्या बात है? तो हमने कहा हमारे यहाँ रिवाज है खाली पानी नहीं पिलाते, कम से कम गुड़ तो खिलाते। अब हम भी दो तीन दिन से भूखे, हमारे घर में कुछ नहीं। मैंने अपने बच्चे को दौड़ाया किसी दुकान में, किसी के पास कि 2 रुपया उधार लो और गुड़ खरीद के दे। तो उसकी वजह से इतनी देर हुई, वो दौड़ा आ ही रहा है, गुड़ लाया, हमको खिलाया, पानी पिलाया। देखिए कितना बड़ा दिल, ऐसे हमारे लोग हैं इस देश के लोग। इतने मैं मानती हूँ कुल दुनिया के लोग अच्छे हैं, आम लोग अच्छे हैं, बहुत थोड़े से लोग खराब हैं। हाँ। उन थोड़े से खराब लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के बीच एक अच्छी सी सोच लेके आप उपस्थित हैं। आप लगातार अपने सहयोग, संघर्ष नहीं, अपने सहयोग की मुहिम को लेके आगे चल रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस मुहिम में ढेर सारे लोग और जुड़ेंगे और जुड़ेंगे और जुड़ेंगे, और निश्चित ही आपको फतेह मिलेगी। आपके विचारों को, जिस तरह से आप विचारों को जन जन तक पहुँचा रही हैं, एक अच्छा भारत निश्चित तौर से सामने आएगा, खाली भारत में एक अच्छा विश्व, एक अच्छा पूरी दुनिया। तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की बेहतरी और बहबूदी का काम आपने अपने हाथों में ले रखा है, और ये हाथ बहुत मजबूत हैं। आपके जो अपने संकल्प हैं, उन्हीं संकल्पों के सहारे आज हम संवाद टीवी के माध्यम से एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि फिर कभी किसी मोड़ पे आपसे मुलाकात होगी तो ज़रूर मिलेंगे। दर्शकों के साथ नमस्कार।